हालेलुया, सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए हम सब मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखी गई है। आज का पवित्र वचन, रात को सोने वाले मसीही ना बने। जिस तरह एक राजाओं की पुस्तक अध्याय 3 की 19 से 20 आयत में लिखा है, और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया, तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो ही रही थी, तब मेरा बालक मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लेटा दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदा चीज़ें मुर्दा चीज़ों में ना बदलें, तो रात को सोने वाले मसीही ना बने। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि दो वैश्या गर्भवती हुई और उन दोनों के बच्चे हुए, उन दोनों में से एक अपने बच्चे के ऊपर सो गई और उसका बच्चा मर गया, फिर उसने दूसरी का बच्चा उठा लिया और अपना मरा बच्चा उसके बच्चे की जगह पर रख दिया, और उस बच्चे की माँ को पता भी न चला क्योंकि वह सोई हुई थी। मेरे प्रियो, आज लोगों की जिंदगियां बदलाई जाती हैं। कोई उनको अपनी मुर्दा जिंदगी देकर उनकी जिंदा जिंदगी ले लेते हैं क्योंकि वह रात को सोए रहते हैं। अब जरा सोचे, वह औरत जिसका जिंदा बच्चा मुर्दा बच्चों में बदल गया और उसको पता भी ना चला, वह कितनी गहरी नींद में होगी। जबकि एक माँ को अपने बच्चों को दूध पिलाने के हर 2 घंटे के बाद उठाना पड़ता है, पर वह सोई रही। जो परमेश्वर ने उसको आशीष दी थी, वह उसको संभाल ना सकी, फिर बाद में वह उठ के रोने लगी। मेरे प्रियो, ऐसे ही आज लोग सोए हुए हैं। परमेश्वर ने जो आशीष उन्हें दी है, वह उसको संभाल कर नहीं रखते, वह रात को जागते नहीं हैं। अब देखो, अगर आपको बर्बाद करने के लिए जादू टोना करने वाले आधे रात को जागते हैं, तो फिर आप रात को जागकर प्रार्थना नहीं करते। इसलिए शैतान आपकी ज़िंदगी में हमला करता है, पर आप सोचते हैं कि यह परमेश्वर की ओर से शायद इम्तिहान है। कुछ इम्तिहान परमेश्वर की ओर से होते हैं, पर ज़्यादा शैतान की ओर से होते हैं। शैतान उनके ऊपर हमला करता है जो सोए हुए मसीही हैं। वह उनकी जिंदा चीज़ों को मुर्दा चीज़ों में बदल देता है और उनको पता भी नहीं चलता। मेरे प्रियो, अगर आप आधी रात को प्रार्थना करने वाले मसीह नहीं हो, तो आप कभी शैतान से जीत नहीं सकते, क्योंकि आधी रात का समय ऐसा समय है जब शैतानी लोग शैतान की चीज़ों को आपके ऊपर भेजते हैं। और जब आप आधी रात को प्रार्थना करते हैं, तो आप शैतान की उस चीज़ों को ख़त्म करते हैं। पौलुस और सिलास जब जेल में थे, तो उनके हाथों पैरों में जंजीरें थी, उनका पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ था, फिर भी उन्होंने रात को प्रार्थना की और वह जेल में से छुड़ाए गए। जो आधी रात को जागने वाले मसीही नहीं हैं, फिर वह यह नहीं बोल सकता कि पता नहीं क्यों परमेश्वर मुझे आशीषित क्यों नहीं करता, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिलती। यह इसलिए क्योंकि आपने कभी रात को जाकर प्रार्थना नहीं की, आपने सारी रात सोकर निकाल दी। मेरे प्रियो, आधी रात को ही पौलुस और सिलास के पास स्वर्गदूत आया और उनको जेल से आज़ाद किया, और आधी रात को ही वेश्या का बच्चा बदला गया। याद रखें, आधी रात को या तो परमेश्वर काम करेगा या शैतान। अभी यह आपने फैसला करना है कि आपने परमेश्वर से काम करवाना है या शैतान से। इसलिए मेरे प्रियो, आधी रात को प्रार्थना करने वाले मसीही बने, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम कर सके। आपको अपने आशीषों को संभाल कर रखना है। रात को सोने वाले मसीही बने ना, बल्कि जाकर प्रार्थना करने वाले मसीही बने। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बुद्धि दे। आमेन, आमेन, आमेन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आधी रात को प्रार्थना करने वाला मसीही बनूंगा और शैतान के हर वार का जवाब आपके वचन से दूंगा। आपका अनुग्रह मेरे ऊपर हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मैं इस अंगीकार को ग्रहण करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।